समय पहले मेरे फेस पे अचानक से बहुत ज्यादा तिल की समस्या हो गया था, जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि अचानक से ये क्या हो गया है मेरे फेस पे। और इतना ज्यादा 2 महीना के अंदर ही बहुत ज्यादा तिल मेरे फेस पे दिखना शुरू हो गया। उस समय मेरी माँ का नुस्खा काम आ गया। उन्होंने मुझे एक ऐसा नुस्खा बताया था जिसको मैंने बिना गैप दिए हुए लगातार 1 महीना यूज किया। जब मैंने उसे 1 महीना यूज किया तो मेरे फेस के सारे तिल धीरे धीरे ब्राउन हो गया। ब्राउन होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। कुछ टाइम पहले मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, मेरे फेस पे अचानक से बहुत ज्यादा तिल आ गया था। उस समय मेरा प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था और 2 महीना के अंदर ही इतना ज्यादा तिल की समस्या हो गया था, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया है। उस समय मेरी माँ ने एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया था जिसको मैंने कंटिन्यू 1 महीना यूज किया बिना गैप दिए हुए। जब मैंने उसे 1 महीना यूज किया, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी चीज इतना कारगर हो सकती है, लेकिन मुझे पता था कि जो दादी नानी का नुस्खा होता है बड़े ही कमाल का होता है और 100% काम भी करता है। जब मैंने उसे यूज करना शुरू किया तो जो मेरे फेस के ब्लैक तिल था धीरे धीरे ब्राउन होने लगा और कुछ ही दिनों के बाद मेरे फेस के सारे तिल खत्म हो गया। फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि मेरे फेस पे एक भी तिल नहीं है। फेस पे 1-2 तिल होता है तो खूबसूरती को बढ़ा देता है, वहीं पे बहुत ज्यादा तिल की समस्या हो जाती है तो खूबसूरती को खराब भी कर देता है। फेस पे तिल होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आप ऐसे धूप में चले जाते हैं बिना सनस्क्रीन लगाए हुए तो उसके वजह से भी फेस पे बहुत ज्यादा तिल निकलना शुरू हो जाता है, या तो जब शरीर में हार्मोन्स चेंज होता है उसके वजह से भी बहुत ज्यादा तिल की समस्या हो जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम भी बहुत ज्यादा तिल फेस पे आ जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ था। उस समय मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल नहीं करती थी कि उसको यूज करने से ये हुआ है, कुछ भी नहीं यूज करती थी मैं अपने फेस पे, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा तिल आ गया था जिसको देखकर मैं बहुत डर गई थी। लेकिन जो नुस्खा उन्होंने बताया था इतना कारगर था, इतना कमाल का था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और रिजल्ट आप लोग के सामने है कि मेरे फेस पे एक भी तिल की समस्या नहीं है, सारा खत्म हो गया है। जिनको भी बहुत ज्यादा तिल की समस्या हो गई है, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। आप अपने फेस पे बिना डरे हुए इसे लगा सकते हैं, आपके फेस के लिए सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मेरे फेस पे ही तिल की समस्या हुआ था और मैंने इसे लगाया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ था, तो आप बिना डरे हुए अपने फेस पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जिनको भी ये समस्या है, चाहे आपके फेस पे है, नेक पे है, कहीं भी तिल की समस्या है, आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखिए, कोई भी होम रेमेडी होता है उसको जब आप टाइम देंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 बार यूज करेंगे तो आपके फेस के सारे तिल खत्म हो जाएगा। मैंने उसे लगातार 1 महीना तक यूज किया था बिना गैप दिए हुए। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर वो नुस्खा क्या है जिसका मैं इतना ज्यादा तारीफ कर रही हूँ। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है जायफल, गरम मसाला में यूज होता है, आप सभी के घर में आसानी से मिल जाएगा। तो आपको लेना है 1 जायफल और 2 चम्मच रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। अब आपको करना क्या है कि पत्थर पे थोड़ा सा दूध गिराकर जो जायफल है उसी पे इसको घिसना है। जब इस तरीके से आप घिसेंगे तो जो जायफल है उसका पेस्ट बन जाएगा, और दूध के साथ ही घिसना है। पानी आपको नहीं यूज करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है कि पानी के साथ नहीं घिसना है। जो जायफल होता है फेस के तिल को खत्म करने में काफी हद तक मदद करता है। उतना ही आपको घिसना है जितना कि फेस पे पेस्ट लग जाए, आपको इसे घिस कर रखना नहीं है। जब भी आपको लगाना हो, जब आपके पास टाइम हो, इस तरीके से आप घिस लीजिए, इसका पाउडर बना के नहीं रखना है। इस तरीके से लगाएंगे तभी आपके फेस के तिल खत्म होगा। जिस तरीके से इस वीडियो में बताया गया है उसी तरीके से आप यूज करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। तो इस पेस्ट को पूरे फेस पे लगा लेना है अच्छे से। अगर आपको कम तिल की समस्या है तो आप डॉट डॉट करके लगा लीजिए, अगर पूरे फेस पे तिल बहुत ज्यादा है तो पूरे फेस पे जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ पूरे फेस पे लगा लीजिए, आपके फेस के लिए सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
लेकिन आप कभी नेचुरल चीजों का यूज नहीं किए हो तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके फेस पे लगाने से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वैसे तो आपके फेस पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यूज किया हुआ नुस्खा है, क्योंकि मैं इसे खुद अपने फेस पे लगाकर देखी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ था। आप सभी को मैं शेयर भी की हूँ कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा तिल की समस्या हो गई थी, इसी को लगाकर मैंने अपने फेस के सारे तिल को खत्म कर लिया एक महीना के अंदर। आपके फेस पे बहुत पुराना तिल है यानी कि ब्लैक हो गया है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब कि 1-1.5 महीना लग सकता है, लेकिन अभी ब्राउन हुआ है, अभी शुरुआत है, तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा आपके फेस का तिल। इसे लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। आपको दिन में इसे 2 बार लगाना है। जब भी आप अपने फेस पे लगाएं तो मॉइस्चराइजर लगाना ना भूले, क्योंकि थोड़ा सा फेस को ड्राई कर देता है। तो फेस पे मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल कुछ भी अपने फेस पे लगा लें। इसको लगाने के बाद 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो पैक था बिल्कुल ड्राई हो गया है। ज्यादा टाइम नहीं लेता है, बहुत जल्दी सूख जाता है, तो आपको ज्यादा टाइम तक रखना भी नहीं है फेस पे। आप बस मेरे कहने पर इसे यूज करके देखिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए। महीना भर आपको टाइम देना पड़ेगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, आपका तिल थोड़ा ब्राउन होने लगेगा, हल्का होने लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से जब पैक ड्राई हो जाए तो आपको सिंपल सादा पानी से फेस को धुल करके और मॉइस्चराइजर लगा लेना है फेस पे। तो आप लोगों ने देखा कि कितना कमाल का नुस्खा है। जब आप इसे लगातार यूज करेंगे आपको कम से कम 1 महीना का टाइम देना पड़ेगा। जब आप इसे 1 महीना यूज करेंगे तो आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके ब्लैक तिल धीरे धीरे ब्राउन होने लगा है तो आप समझ लीजिए कि मतलब एक काम कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। छोटी सी चीज दिखने वाली बड़े ही कमाल का है, और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। ज्यादा तामझाम नहीं करना है, सिंपल आपको 2 मिनट लगेगा, बनाकर अपने फेस पे लगा लीजिए। इसे बनाकर आपको रखना नहीं है, जब भी आपके पास टाइम हो इसे बनाइए, 2 मिनट लगेगा, उसके बाद से बनाकर आप अपने फेस पे लगा लीजिए। लगाने का टाइम भी मैं आप लोग को वीडियो में बता दी हूँ कि कितने मिनट तक आपको रखना है। तो जिस तरीके से वीडियो में बताया गया है उस तरीके से आप फॉलो करिए, 1 महीना लगाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे चैनल पर आपको हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलेगा। तो पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड और फैमिली में आप लोग जरूर शेयर किया करें, आप लोग मेरा थोड़ा सपोर्ट करें। तो मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।